नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, रोड कस्बे के उदासी के बाग के पास दो पक्षों में खूनी संघर्ष में 15 लोग घायल व 10 लोगों को शांति भंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार। गंगापुर भरतपुर मेगा हाईवे पर सुरौट उदासी के बाग के पास कृषि भूमि पर विवाद को लेकर बुधवार को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दो गर्भवती महिला सहित 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनको सुरौट पुलिस की सहायता से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुरौट पर घायलों को लाया गया व प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पक्षों के गंभीर घायलों को रेफर कर दिया गया, जिसके बाद सभी घायल हिंडौन राजकीय अस्पताल पहुंचे, जिसमें एक पक्ष के घायलों में उदासी का बाग निवासी प्रकाश सैनी, विष्णु मंटो देवी, मीना पत्नी जल सिंह, मीना पत्नी राजेंद्र सैनी, विनीता फूलनंद देई, मानसिंह व राजेश सैनी है। वहीं दूसरे पक्ष में मंगती सैनी, घनश्याम, सौरज पंकर, भवर सैनी, ममता देवी घायल हुए हैं। घायलों के राजकीय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने के बाद मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता व डॉक्टर ओपी मीना, सर्जन डॉक्टर जेपी मीना व डॉक्टर ब्रजेश चौधरी ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर दोनों पक्षों के घायल व्यक्तियों को अलग अलग वार्डों में भर्ती कर लिया। इधर घटना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप लगाते हुए एक बगीचे में जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है, जिस पर सुरौट पुलिस ने गणेश पुत्र देवीलाल उम्र 35 वर्षीय, फूल सिंह पुत्र देवांश उम्र 35 वर्षीय, हरिशरण पुत्र रामायण रामहंस उम्र 55 वर्षीय, देवीलाल पुत्र गिरिराज उम्र 65 वर्षीय, अंकित पुत्र भीम सिंह उम्र 20 वर्षीय, घनश्याम पुत्र देवीलाल उम्र 41 वर्षीय, जल सिंह पुत्र गोविंद सिंह उम्र 30 वर्षीय, राजवीर पुत्र विकास उम्र 22 वर्षीय, राहुल पुत्र विजय सिंह उम्र 18 वर्षीय, निवासी सुरौट थाना सुरौट जिला करौली को सहायक उपनिरीक्षक जय सिंह द्वारा जब्ते की मदद से शांति भंग के आरोप में 10 लोगों को किया गिरफ्तार।